हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं जिम्बाब्वे डोमेस्टिक T20 में होने वाले आज के पहले मुकाबले की। यहाँ पर अगर आप देखोगे कल जो हुआ है ना वो भैया बहुत कम आपको देखने को मिलता है। 190 प्लस रन यहाँ पर चेस कर लिए ईगल की टीम ने, चांसेस कम थे। वैसे ब्रेंडन टेलर की टीम ने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा था। वैसे ब्रेंडन टेलर ने 140 रन की पारी खेली थी, बट इनके प्लेयर्स ने आकर हाफ सेंचुरीज जो मारी ना, तीन चार प्लेयर्स ने हाफ सेंचुरीज मारी, उसमें डब्ल्यू मधवीरा का भी नाम है। तो वो सारे के सारे प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा। यहाँ पर सदर्न रॉक्स की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है, बैक टू बैक अपने मैचेस जीत कर आए हैं। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले ऐप कौन सी है, ये है माई टीम 11 ऐप, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपर्ट 11 डालोगे 100 रुपये बोनस मिल जाएगा, 100 का 100 रुपये बोनस आप यहाँ पर किसी भी लीग में यूज़ कर सकते हो। अभी तक अगर आपने पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला होने वाला है उसकी वीडियो देखिए ऊपर आई सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, हैदराबाद और बेंगलोर की वीडियो देखिए ऊपर आई सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। दोनों ही वीडियोज़ आपको ऊपर आई सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। सारी की सारी डिटेल मैंने दोनों ही मैचेस के बारे में आपको बता रखी हैं, तो कोई भी कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी अगर आप देखो कि प्लेयर्स आपके पास कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो मुकाबला जो होने वाला है वो होने वाला सदर्न रॉक्स और ईगल के बीच में। वेन्यू जो है ओल्ड हरारियन हरारे, ये सारे के सारे मुकाबले ना हरारे में ही हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, बहुत बढ़िया बैटिंग पिच है, बॉलिंग के लिए इतना कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है बॉलिंग के लिए। अगर बॉलर्स ठीक लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करवा रहे हैं तो आपको ना कैचेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे, एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप देखो कि आपको बोल्ड ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखो कि आपको लेग बिफोर ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, आपको कैचेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ पर 5वीं 6वीं स्टंप पर अगर कोई बॉलर बॉलिंग करवाएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विकेट वो लेकर जा सकता है। सदर्न रॉक्स की अगर आप बात करो, बैक टू बैक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है, बट पिछला मुकाबला अपना हार कर आए हैं। यहाँ पर जैसा कल मैंने आपको बोला था ना कि भैया ब्रायन या जुकावो में से कोई एक प्लेयर ट्राई करना, और यहाँ पर वैसे दोनों ही प्लेयर्स बढ़िया कर गए कल के मुकाबले में, बट अगर आपने कोई भी एक प्लेयर ट्राई करा होगा या दोनों करे होंगे तो पक्का आपकी ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया रैंक आई होगी। जुकावो को सबने ट्राई करा था, तो ब्रायन को किसी ने ट्राई नहीं करा था। मैंने आपको ये भी बोला था कि ब्रायन को अगर आप लेकर जाना चाहते हो रिस्क लेकर जा सकते हो, क्योंकि एक आधा ओवर यहाँ पर कोई भी टीम करवा सकती थी इससे ओवर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मरुवानी ने पिछले मुकाबले में कुछ नहीं करा है, 2 रन की पारी खेली है, बट एज अ नॉर्मल प्लेयर आप इस प्लेयर को अपनी टीम में आज भी लेकर जा सकते हो। उसके बाद मुबाम्बी आपके पास है, यहाँ पर अगर आप देखोगे 19 रन की पारी इसने खेली। रॉय कुए की अगर आप बात करो, कंसिस्टेंसी से रन्स भी कर रहा है, रन्स तो चलो इतने नहीं कर रहा बट आपको विकेट लाकर दे रहा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया विकेट टेकर होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर चेसारो हैं, पिछले मुकाबले में इसने कुछ भी नहीं करा। फिर उसके बाद विलियम आपके पास है, 15 रन की पारी इसने खेली है। उसके बाद पैट्रिक आपके पास है 8 रन के साथ एक विकेट। ब्लेसिंग मुजरवानी आपके पास है 1 रन के साथ एक विकेट, परफॉर्मेंस इस प्लेयर की भी बढ़िया रही है। उसके बाद अगर आप देखो ट्रेवर आपके पास है, 1 रन पिछले मुकाबले में इसने करे हैं। अब अगर आप देखोगे डेथ में पिछले मुकाबले में भैया मोम्बो ने ओवर करवाया किसके साथ, यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरवानी के साथ। मुजरवानी ने एक विकेट चटकाई है, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। रॉय आपको ओवर्स कंप्लीट करवा कर तो नहीं दे रहा है, बट जितने भी ओवर करवा रहा है उसमें एक आधी 2 विकेट आपको ला कर दे रहा है, तो प्लेयर आपके लिए बढ़िया है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे विलियम आपके पास है, पिछले मुकाबले में 1 ओवर जो दिया गया वो दिया गया विलियम को। ये मानकर चलना कि शायद ब्रायन करा जाएगा या तो यहाँ पर जुकावो ओवर करवा जाएगा, तो ये थोड़ा सा देख कर चलना। डिनैन होंडो पिछले मुकाबले में विकेट नहीं लेकर गया, ट्राई करना है आप कर सकते हो। अब इस मुकाबले में आपको ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर ईगल्स की टीम, तो ईगल्स की टीम अपना ना पिछला मुकाबला जीत कर रही है। यहाँ पर मैं ना वो लिखना भूल गया हूँ स्कोर, बट 194 बनाए थे सामने वाली टीम ने, तो इन्होंने 196 बना दिए थे और वो भी 16.3 ओवर में बना दिए थे, तो परफॉर्मेंस इनकी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया तिनाशे ने 44 रन की पारी, उसके बाद यहाँ पर चामू ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दी, बट डब्ल्यू मधवीरा बैक टू बैक 44 रन की पारी। उसके बाद अगर आप देखो तो भैया चिकावा ने बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज 2 लगाई हैं। उसके बाद यहाँ पर तिनाशे ने आकर एंड करी थी पारी। उसके बाद अगर आप देखो एल्टन आपके पास है, 7 रन की पारी इसने खेली। विकेट्स एक ही चटकाई है, वो चटकाई है भैया डैनियल ने पिछले मुकाबले में।
देखो ब्रेंडन टेलर और तीसरे नंबर का बैट्समैन आकर ना बहुत बढ़िया परफॉर्म कर गया था। एक ओपनर आउट हुआ था वो यहाँ पर जैकियल लेकर गया था उसके विकेट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ पिछले मुकाबले में रिचर्ड आपके पास हैं, तो जिसने स्टार्टिंग और डेथ में बॉलिंग करवाई, किसके साथ हमारे पास तनाह है उसके साथ ही उसने बॉलिंग करवाई थी। उसके डैनियल ने एक विकेट चटकाई। उसके बाद ब्रायन आपके पास है। वैसे ब्रैड इवान ने ना परफॉर्मेंस ठीक ठाक करी है, तो अगर आप इस प्लेयर को ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। फिर उसके बाद मफूजा आपके पास है, दो ओवर में एक भी विकेट इसने नहीं चटकाई। डब्ल्यू मदवीरा आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, आप इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। अभी यहाँ पर हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। ऊपर आई सेक्शन में आईपीएल की वीडियो प्लस साथ में पाकिस्तान और जो साउथ अफ्रीका का तीसरा ओडीआई और तीसरा टी20 और उसकी वीडियो, दोनों वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आ जाओ, चिवाबा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। अब अगर आपको यहाँ पर तिनाशे को रखना है रख सकते हो, ड्रॉप करना है कर सकते हो। पिछले मुकाबले में इसने ठीक ठाक परफॉर्म करा है। यहाँ पर मुतबांबी आपके पास है। मुतबांबी की सिलेक्शन कल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, बट आज के मुकाबले में बिल्कुल ही कम हो गई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तिनाशे आपके पास है, यहाँ पर जुकावो आपके पास है, यहाँ पर अगर आप देखोगे फिर तिनाशे आपके पास है, तो दो तिनाशे हैं, इसमें से एक ही रखना, दोनों मत रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चिवाबा आपके पास है, यहाँ पर अगर आप देखोगे डब्ल्यू मदवीरा आपके पास है, रॉय ब्रायन, फिर ब्रायन तक के लेंगे हम प्लेयर। यहाँ पर ब्रैड इवान को ले सकते हो, बहुत बढ़िया पिक है। अभी के लिए प्लेयर्स क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ना इसके पॉइंट साइड नहीं है। ब्रैड ने पहले मुकाबले में तीन विकेट चटकाई थी, परफॉर्मेंस इसकी बढ़िया रही थी। चिसारो आपके लिए बढ़िया कर सकता है, बट हाँ स्टिल रॉय और डब्ल्यू मदवीरा तो आपके पास होने ही होने चाहिए, इन प्लेयर्स को तो आप ड्रॉप कहीं नहीं कर सकते हो। ब्लेसिंग मुजरवानी आपके पास है। डैनियल जैक्स को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है, मेरे हिसाब से नहीं रखेंगे आज के मुकाबले में, बट स्टिल अगर आपको रखना तो आप रख सकते हो। फिर उसके डिनाइल मैं अभी के लिए नहीं रखूंगा, मैं रिचर्ड के साथ जाऊंगा, मैं पैट्रिक के साथ जाऊंगा। तो ये ना कुछ डिफरेंशियल पिक्स हैं, डिफरेंशियल पिक्स के साथ अभी के लिए मैं टीम बना रहा हूं। अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे इनकी प्लेइंग 11 आती नहीं है, तो वो चीज़ आप देख कर चलना। थोड़ा सा रिस्क रहता ही है ये वाला मुकाबला खेलने में, बट स्टिल आपके लिए ना बढ़िया मुकाबला हो सकता है, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। कुछ अच्छे प्लेयर्स को भी कुछ रिस्क भी आप ले सकते हो इस मुकाबले में। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो आपके लिए मदवीरा एज अ सेफ कैप्टन रहेगा। वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास रॉय एज अ सेफ वाइस कैप्टन रहेगा। अगर सेफ खेल रहे हो तो यही टीम आपके लिए सेफ होने वाली है। अब अगर मैं ड्रीम इलेवन की टीम की बात करूँ अभी के लिए ना, मैं बिल्कुल सेफ जा रहा हूँ, मैंने ज़्यादा रिस्क लिया नहीं है, बट अगर आपको रिस्क लेना आप पक्का लेना। मैंने आपको स्टैट्स बता दिया हर एक प्लेयर के, टेलीग्राम पर जुड़ जाना क्योंकि वहाँ पर आपको रिस्की टीम देखने को मिलेगी, प्लस साथ में वो वाली टीम ना आपके लिए सारे प्लेयर्स खेलने वाले हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा। वहाँ पर आपको प्लेइंग 11 का भी अपडेट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आती है बट ड्रीम इलेवन पर बहुत ही कम आती है, ये वाली आप देख कर चलो बात। बट आपको प्लेयर्स मैं बता दूंगा कि हाँ ये खेलेंगे, आपके लिए डिफरेंशियल पिक्स क्या होने वाले हैं, मेरी फाइनल टीम क्या होने वाली है। ये अभी के लिए बिल्कुल सेफ टीम है और इसके साथ मैं जाने नहीं वाला हूँ। बस कोई प्लेयर्स अगर सेफ खेलना चाहते हो तो इस टीम के साथ खेल सकते हैं। आरची बाबा आपके पास है, उसके बाद यहाँ पर सीची बाबा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चंबारी आपके पास है, जुकावो आपके पास है, उसके बाद यहाँ पर खुनेमान आपके पास है, वाइस कैप्टनसी आर कुवाई आपके पास है। रॉय को वाइस कैप्टनसी किसी ने दे रखी, मुझे समझ नहीं आया क्यों नहीं दे रखी। डब्ल्यू मदवीरा आपके पास है, उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर मुजांगी आपके पास है, पी मांबो, बी मुजरमानी और डैनियल आपके पास है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। ग्रैंड लीग ज़्यादा खेलना, ग्रैंड लीग के लिए आपको टीम टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। ऊपर आई सेक्शन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी किसकी, जो अभी आपके पास पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, प्लस साथ में आपके पास जो आईपीएल होने वाला है, दोनों वीडियोज़ आपको ऊपर आई सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।